नमस्कार आइए, आज के इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे झारखंड के इतिहास का जो हम लोग सीरीज चलाया है उसी के अगली कड़ी में हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे झारखंड के जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत चेरा विद्रोह जो 1770-71 में हुआ था। आपको बताते हैं कि हम जो अभी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वह पूरी तरह से JPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम पर आधारित है और इसमें पहले जो हम खंड कवर कर रहे हैं वह झारखंड के इतिहास से संबंधित है। जल्दी ही हम अन्य विषयों पर भी वीडियो आप तक उपलब्ध कराएंगे, तो आइए मुख्य जो बिंदु है उस पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के पहले आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि इसका लाभ उन सबको मिले जो लोग भी JPSC की तैयारी से जुड़े हुए हैं। तो आइए मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं चेरो विद्रोह। तो सबसे पहले देखेंगे चेरो विद्रोह 1770-71 में कि यह स्थान कौन सा था जहाँ पर चेरो विद्रोह शुरू हुआ था। आपको बता दें पहले बात की चेरो विद्रोह दो पार्ट में हुआ है, एक बार 1771 में हुआ है और एक बार फिर आगे चल के चेरो विद्रोह होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी जो चेरो विद्रोह की चर्चा जिस विद्रोह की हम लोग कर रहे हैं वह 1770-71 ईस्वी से संबंधित है। तो यह स्थान था पलामू का क्षेत्र था जहाँ के शासक चेरो थे, चेरो शासक के अंतर्गत यह क्षेत्र आता था। वहाँ कुछ अंग्रेजों के आगमन के बाद कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है कि वहाँ के लोगों को विद्रोह करना पड़ जाता है। तो उस घटनाक्रम पर हम लोग पहले एक नज़र डाल लेते हैं। पलामू के शासक उस समय 1770 में जयकृष्ण राय थे और वहाँ के एक जमींदार थे ठकुराई सेना सिंह। तो जयकृष्ण राय के इशारे पर रंका के ठकुराई सेना सिंह की हत्या कर दी जाती है। अब ठकुराई सेना सिंह के भतीजे थे जयनाथ सिंह, वो इसका बदला लेने के लिए पलामू के ही एक पूर्व शासक के पौत्र चित्रजीत राय से हाथ मिला लेते हैं और चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह दोनों मिलकर संयुक्त रूप से चेरो शासक पर आक्रमण करते हैं और पलामू पर कब्जा कर लेते हैं। यह 1770 ईस्वी में होता है। कब्जा करने के बाद चित्रजीत राय वहाँ के राजा बन जाते हैं और जयनाथ सिंह दीवान बन जाते हैं। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। अब क्या होता है कि जयकृष्ण राय के जो पौत्र हैं गोपाल राय, उनके तरफ से वो अपना एक दूत कंपनी की सेना जो बिहार में होती है पटना में, तो पटना काउंसिल तक वो पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं कि उनसे सहायता मांगते हैं कि वो पलामू पर कब्जा करें और उन्हें शासक बनाए। तो पटना काउंसिल की नज़र पहले से ही पलामू पे थी क्योंकि सरगुजा से होकर बार बार पटना पे आक्रमण हो जाता था। तो ये चाहते थे कि उस क्षेत्र पे अगर इनका प्रभुत्व हो जाए तो पटना वाला जो क्षेत्र है, जो बिहार का क्षेत्र है, उसको मराठों के आक्रमण से या अन्य आक्रमणकारियों से बचाया जा सकता है। तो पटना काउंसिल को अब एक मौका मिल जाता है कि वो गोपाल राय के साथ मिलकर और उसी के बहाने से पलामू पे आक्रमण कर दे। तो कंपनी के द्वारा कैप्टन कैमक को के हाथों में नेतृत्व देकर कंपनी पटना काउंसिल पलामू पे आक्रमण करने के लिए कैप्टन कैमक को भेज देती है। आगे जाके गोपाल राय भी कंपनी की सेना के साथ मिल जाते हैं। कंपनी की सेना पलामू पहुँचती है तो वो जयनाथ सिंह को एक खबर पहुंचाती है कि वो समर्पण कर दे, लेकिन जयनाथ सिंह उनसे 10 दिन का समय मांगता है इस पर विचार विमर्श करने के लिए। 10 दिन बाद जब जयनाथ सिंह का उत्तर आता है तो वो कुछ अपनी शर्तें रखता है, लेकिन कंपनी उसकी शर्तों को नहीं मानती है क्योंकि कंपनी का पूरा मन था कि पलामू पे किसी भी तरह से उसका प्रभुत्व स्थापित करना है। कंपनी आगे बढ़ती है और पुराने पलामू के पुराने किले पे को ध्वस्त कर देती है। फिर वहाँ से चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह पलामू के नए किले में भाग जाते हैं जो एक पहाड़ी पर स्थित होती है।
वहाँ पे भी जब स्थिति इस तरह की हो जाती है कि जब लगने लगता है कि चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह की सेना हार जाएगी, तो वो वहाँ से औरंगा नदी को पार करके भाग जाते हैं। इस तरह पलामू पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है और अंग्रेज अपने जो समर्थक गोपाल राय हैं उनको वहाँ के शासक बना देती है, और इस उनके शासक बनने के साथ ही पलामू का विद्रोह समाप्त हो जाता है। क्योंकि जब तक चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह थे तब तक वहाँ की जनता भी उनके समर्थन में थी। तो अब देखेंगे कि इस युद्ध के दो पक्षकार हैं, एक पक्ष में चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह की सेना होती है और दूसरे तरफ कैप्टन जैकब खैमक जो पटना काउंसिल की तरफ से भेजे जाते हैं और गोपाल राय, दोनों की संयुक्त सेना होती है। तो इन दोनों पक्षकारों के बीच युद्ध होता है और लास्ट में अंग्रेज और गोपाल सिंह की जीत हो जाती है और इसी के साथ चिरा विद्रोह समाप्त हो जाता है। अब इससे कुछ संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, चेरो विद्रोह में चेरो का नेतृत्व कौन कर रहा था? ए जयनाथ सिंह, बी चित्रजीत राय, सी गोपाल सिंह, डी जयमंगला सिंह। सही उत्तर होगा बी चित्रजीत राय। दूसरा प्रश्न, चेरो विद्रोह को दबाने में कौन सा अंग्रेज अधिकारी नेतृत्व कर रहा था? ए कैप्टन जैकब कैमक, बी मेजर जेम्स क्रॉफर्ड, सी क्लीवलैंड एंड डी आयरकूट। सही उत्तर होगा कैप्टन जैकब कैमक। तीसरा प्रश्न है, किसने गोपाल राय के पक्षकार के रूप में पटना काउंसिल से पलामू के गद्दी पर अधिकार के लिए सहायता की याचना की? ए जयनाथ सिंह, बी चित्रजीत राय, सी कृष्णजीत राय, डी उदवंत राय अखौड़ी। सही उत्तर होगा डी उदवंत राय अखौड़ी। गोपाल राय की तरफ से उदवंत राय अखौड़ी ही पटना काउंसिल पटना जाते हैं और पटना काउंसिल के लोगों से मिलते हैं और उनसे सिफारिश करते हैं कि वो गद्दी पर अधिकार के लिए उनकी सहायता करें। तो सही उत्तर होगा डी उदवंत राय अखौड़ी। चौथा प्रश्न, चेरो विद्रोह में शासक चित्रजीत राय का सहयोगी कौन था? ए सेनाथ सिंह, बी जयनाथ सिंह, सी जयमंगला सिंह, डी भवनाथ सिंह। सही उत्तर होगा जयनाथ सिंह। पांचवा प्रश्न, कैप्टन कैमक के पलामू अभियान में निम्नलिखित में से किसने सहायता की थी? ए पलामू के जयमंगला सिंह, डी कुंडा के धीरज नारायण, सी सीरीस कुटुंबा के नारायण सिंह, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। इन सभी जमींदारों ने कैप्टन कैमक की सहायता पलामू अभियान में की थी और उसके बदले बाद में उनको पुरस्कृत भी किया गया था। तो ये सारे पलामू के जयमंगला सिंह, कुंडा के धीरज नारायण, श्रीस कुटुंबा के नारायण सिंह, इन तीनों जमींदारों ने पलामू अभियान में कैप्टन कैमक की सहायता की थी। छठा प्रश्न है, नया किला पलामू किला किस नदी के किनारे था? पलामू का नया किला किस नदी के किनारे था? ए औरंगा नदी, बी अमानत नदी, सी उत्तरी कोयल नदी, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा औरंगा नदी। आपको बता दें कि नया किला सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया था, क्योंकि पुराना किला उतना सुरक्षित नहीं था। इसलिए एक तरफ नए किले के एक तरफ पहाड़ी थी और दूसरे तरफ नदी थी, तो इसलिए उसको सुरक्षित माना जाता था। तो यह जो नया किला पलामू बना था वह औरंगा नदी के किनारे बनाया गया था। सातवां प्रश्न है, चेरो विद्रोह कब समाप्त हुआ? ए 1770 ईस्वी, बी 1771 ईस्वी, सी 1772 ईस्वी, डी 1773 ईस्वी। सही उत्तर होगा 1771 ईस्वी। 1771 ईस्वी में कैप्टन कैमक और गोपाल राय की संयुक्त सेना पलामू पर अधिकार कर लेती है और गोपाल राय को वहाँ का शासक बना दिया जाता है। इसी के साथ चेरो विद्रोह समाप्त हो जाता है। आठवां प्रश्न, चेरो के खिलाफ पलामू अभियान में कैप्टन जैकब कैमक के साथ अन्य अंग्रेज अधिकारी कौन थे? ए हैरी पामर, बी एडवर्ड गोल्डिंग, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो आपको बता दें कि चेरो के खिलाफ जब पलामू अभियान में कैप्टन जैकब कैमक को भेजा गया था तो उसके साथ दो और अधिकारी भेजे गए थे, वो थे हैरी पामर और एडवर्ड गोल्डिंग। तो सही उत्तर होगा सी ए और बी दोनों। तो इस चेरो विद्रोह से संबंधित मुख्य बिंदुओं के बाद हमने 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उपलब्ध कराए हैं जो चेरो विद्रोह से संबंधित है। इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं।
और जल्दी ही झारखंड के इतिहास से संबंधित और अन्य विषयों से संबंधित भी वीडियो जो मुख्य तथ्य और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ होंगे जल्दी आप तक उपलब्ध कराएंगे। एक बार आपसे आग्रह कर देते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग साथ शेयर करें, हमारे चैनल को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।